आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली, संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। ऐसे प्रभु शांति दाणम नमो सिद्धाणम नमो वायरीयाणम नमो वजायाणम नमो लोई सब्बसाहूणम ओम नमः शिरेभ्यः ओम नमः शिरेभ्यः ओम नमः शिरेभ्यः श्रीवीतनागाय नमः ओम नमो अर्ते भगवते श्रीमती श्री पार्षद शंकराय दौदगुरुजाय सर्वज्ञाय स्वयंभुये सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक में ही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दृष्टाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय तुरु शंकराय क्षत्र ज्ञान सर्वऋषि अरिका श्रवक श्राविका प्रमुख चतुर संगो सर्विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अवयस्माकम मृत्युम अधिगामम प्रतिगामम वलिकामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभयम् सर्वसर्गम् सर्वविघ्नम् सर्वभयम् सर्वराजभयम् सर्वचूरभयम् सर्वदुष्टभयम् सर्वमृगभयम् सर्वात्मचक्रभयम् देव अरिहंत तुमको नमन करूं मैं पाऊं सुख अनंत भव का वमन करूं ओम ब्रीम श्री अरहंत परमेश्वरी ने शांति धारा निमित्तेन जल फलादि अर्घम निर्पवामिति स्वाहा ओम ब्रीम श्री चंदा प्रभु स्वामिने अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्पवामिति स्वाहा ओम ब्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्पवामिति स्वाहा सुसजीम थार तन मन मोद धरो गुण गाओ भव दितार पूजत पाप हरो ओम श्री महावीर जिनेन्द्राय काम मान विषण साय पुष्पमी पार्वती सरमति नायक हो किया था कि जैसा कि आचार्य संघ के माध्यम से प्रतिवर्ष जहां भी चातुर्मास आदि होते हैं वहां पे प्रयास किया जाता है कि सभी जो पूरे भारतवर्ष में दिगंबर जैन साधु कार्यकारिणी की तरफ से आचार्य श्री के निर्देशानुसार सोचा था कि 51 पिछिया जो है हम वस्त्र आदि पहुंचाएंगे उनकी साधना के लिए जो रहते हैं तो उसमें भी एक बार खूब खूब अनुमोदना आप सभी लोगों को कि हमारे पास 51 लाख आदि पहुंचाएं तो इसमें हमने एक मात्र कोष्ट रखी थी 11,000 रुपए मात्र जिसमें कि आप लोगों का भरपूर सहयोग हम लोगों को मिला और हमने अनेक जगह जो है पिछिया वस्त्र आदि भिजवाए हैं।
नीता जैन माया इंक्लेव से हैं, स्नेह जैन हरिनगर से, मंजुला जैन मेहरोली से हैं, राजीव मीनाक्षी जैन सिविल लाइन से हैं, देवेंद्र जैन चाणक्य प्लेस से, पवन गोधा जी प्रेम लता रिवाड़ी से हैं, प्रदीप ममता जैन बक्तावरपुर से, नीलम जैन इंदिरा जैन महानुभाव, वैसे तो हम सभी लोग जनकपुरी में हैं, लेकिन कल संध्या काल से ऐसा लोगों को प्रतीत हो रहा है कि हम लोग जनकपुरी में नहीं बल्कि भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण स्थल पावापुरी में विराजमान हैं। और जैसे वहाँ पर दीप जल रहे हैं, लाइटों की रोशनी हो रही है, भक्तों का समुदाय उमड़ा हुआ है और सब कुछ वैसे ही यहाँ पर चल रहा है। जनकपुरी में कचने वाले पारसनाथ भगवान की कृपा से और गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से हमारे साधु जीवन का, मुनि बनने के बाद का 24वां चतुर्मास आज शानंद संपन्न हुआ। और एक संयोग ऐसा रहा कि हमारा 24वां चौमासा और मूलनायक भगवान मंदिर जी के 24वें भगवान तीर्थंकर पार महावीर भगवान हैं। और आपको बताऊं कि मैंने ये चतुर्मास 11वां दिल्ली में किया है, लेकिन जो पिछले 10 चौमासे हुए उनमें एक दो बार विचरण भी हुआ, शिमला भी गए हैं, नैनीताल के आवास भी गए हैं, बेला जी भी पहले गए, सब जगह गए हैं। लेकिन ये समझिए कि इन 11 चौमासे में मेहरौली चौमासे के बाद और यहाँ जनकपुरी चौमासे तक लगभग 6000 किलोमीटर की पदयात्रा हुई और उसके बाद में जाकर आपके यहाँ पर जनकपुरी में चौमासा संपन्न हुआ। वैसे तो हमने अपने साधु जीवन में लगभग यदि पूरा किलोमीटर निकालें दीक्षा के बाद आज तक का, तो लगभग 65-70 हज़ार किलोमीटर बिहार में पहले कर चुका हूँ और उसमें आपका जनकपुरी भी शामिल है। और यहाँ पर चतुर्मास हुआ, बड़े भक्तिभाव से नए जिन मंदिर को निर्माण कराने के बाद, जीर्णोद्धार कराने के बाद में निश्चित रूप से इतने बड़े संघ का आपने चौमासा कराया। और सबसे सुंदर बात यह रही कि पूरे चौमासे के अंदर किसी भी साधु महाराज की कोई तबीयत खराब नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। अंतराय उपवास आदि तो ये अपनी साधना का अंग है, लेकिन ऐसी कोई अशक्त बीमारी नहीं हुई जिससे कोई नहीं हो, तो ये निश्चित रूप से पारसनाथ भगवान, महावीर भगवान, गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की कृपा और आप सबके भक्तों की बलवत्ती भावना है कि सारा का सारा काम यहाँ पर संपन्न हुआ। और आज कहते हैं ना कि आता हुआ समय पता नहीं चलता और जाता हुआ समय नज़दीक आ जाता है। कि जब 1 जुलाई को प्रवेश हुआ था, जब सबको लग रहा था कि बहुत बड़ा चौमासा 5 महीने का होता है, और आज यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे 13 नवंबर आ गई, पता ही नहीं चला कि कैसे चौमासे का समय बीत गया। विधानों के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से, अन्य स्थानीय माध्यम से पता ही नहीं था, लेकिन आज यहाँ पर निश्चित रूप से भगवान महावीर स्वामी जो वर्तमान शासन नायक हैं उनका आज 2550वां निर्वाण महोत्सव प्रारंभ हुआ है। पूरे भारत देश में
यूं कहना चाहिए विदेश में भी इस बात की कल्पना चल रही है और प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने तरीके से जिन मंदिर में निर्वाण लड्डू अर्पित कर रहा है, दीपक की रोशनी कर रहा है, अन्य अन्य सारे काम कर रहे हैं। मैंने कल भी कहा था, मैं पुनश्च आपसे आज कहना चाहता हूँ कि ये 2550वां निर्वाण महोत्सव है, ये आपके लिए, हमारे लिए, जन जन के लिए मंगलकारी तो होगा ही होगा, लेकिन इसमें सभी लोगों को ये संकल्प करना है कि जब 2550 लिखते हैं तो 2, 5, 5 और 0 लिखते हैं। यदि हम आगे का शुरुआत का लिखते हैं तो 2 बचता है और लास्ट का लेते हैं तो क्या बचता है, 0 बचता है। तो दोनों को जोड़ें तो 20 होता है। यदि हम लोग संकल्प कर लें कि अगले साल भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याण महोत्सव तक हम 20 ऐसे काम करेंगे जो हमारे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए फायदेमंद होंगे, तो समझ के चलना कि भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याण महोत्सव मनाना आपका सार्थक हो जाएगा। अभी आपने चतुर्मास निष्ठापन क्रिया को देखी, अनुमन ये क्रियाएं प्रातःकाल 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे करने की होती हैं, लेकिन गुरुदेव का ऐसा कहना है कि इन क्रियाओं को आप लोगों के सामने करिए तो लोगों को पता भी चले कि कलश स्थापन के समय क्या होता है, स्थापना के समय क्या होता है, कैसी कैसी क्रियाएं होती हैं। इसलिए संघ में सारी क्रियाओं को आपके सामने कराने का प्रयास करते हैं कि आपको मालूम तो होवे जो हम कलश ले रहे हैं हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको आज सभी से लाल कपड़े लाने के लिए कहा, जो लोग मेरी बात टीवी के माध्यम सुन रहे हैं वो भी ध्यान रखें कि लाल कपड़े लाने के लिए से कहा कि जो आप लाल कपड़ा लेकर आए हो, यदि आपके पास में लाल कपड़ा बड़ा है तो आप अपने घर में जहां पर कलश को रख रहे हो कलश के ऊपर चंदोबा बना दें और उस लाल कपड़े को लगा दें, यदि आपके पास बड़ा कपड़ा है तो। और यदि बड़ा कलर कपड़ा नहीं ला पाए, नहीं है, तो छोटा कपड़ा है तो उस कपड़े को पहले बिछाएं और उस कपड़े के ऊपर क्या करें, कलश को रखें। क्योंकि जो लाल होता है ना, देखिए हर कलर का एक अलग अलग महत्व है। डॉक्टर की ड्रेस कौन सी होती है, सफेद, क्योंकि उसका दिमाग शांत होना चाहिए, क्योंकि इसको लाल पहना दोगे दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद में जो वकील होता है उसका कौन सा कलर होता है, काला होता है। क्यों काला होता है, कि उस पर कोई कलर चढ़ता नहीं है, उसको जो करना है सारा का सारा काम करना है। और जो कुली होता है, कुली लाल होता है। क्यों लाल होता है, कि उसको बहुत सारा बोझ उठाना है जो से ये। इसी प्रकार से जब हमारे जिनागम में जाप आदि की व्यवस्था बनती है, सारी की सारी क्रियाएं बनती हैं, तो उस समय लाल का विशेष महत्व है। बल्कि दिवाली के दिन, धनतेरस के दिन, छोटी दिवाली के दिन हम लोग कहते हैं कि लाल वस्त्र पहनकर, लाल माला से, लाल कपड़े में सब जगह लाल करके बैठिए, आपको ये बड़ा ही पुण्य का अर्जन होगा। लाल क्यों किया जाता है, कि आपके जीवन में जोश खरोश बना रहे। क्यों, जरूरी नहीं कि कुली जैसा बोझ उठाइए, बल्कि जरूरी यह है कि जो संसार का भार आपके पास में है वह बिल्कुल अच्छी तरह से चलता रहे। इसलिए लाल का विशेष महत्व होता है। और दिवाली के दिन तो मैं हमेशा कहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को लाल कलर के वस्त्र धारण करना चाहिए, और नहीं तो कम से कम लाल धागा तो हाथ में पहनना ही चाहिए, जिससे कि सारा का सारा काम संपन्न हो सके। तो ये काम आप सभी को करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर जनकपुरी में निश्चित रूप से चतुर्मास बिल्कुल सम्पूर्णतः से सानंदता को प्राप्त हो रहा है, और जिन जिन लोगों ने कलश प्राप्त किए हैं, चाहे वह मुख्य कलश राजन मोनिका जिन परिवार का हो, चाहे छोटा वाला कलश किसी व्यक्ति का हो, सभी के सभी ने निश्चित रूप से ये जो कलश आपके घर में जाएंगे, ये कलश एक प्रकार से साधुओं की साधना का अंग है। और आप देखिए इस कलश के माध्यम से लाखों करोड़ों जाप हुई, कितने हजार मंत्र हुए, कितने सारे विधान हुए। मैं समझता हूँ कि चौमासे में ऐसा कोई विधान शायद ना रहा हो जो आपने छोड़ा हो करने के लिए। सारे के सारे विधान, चाहे वो सर्वतोभद्र विधान हो, चाहे शांति विधान हो, चाहे भक्तांबर जी का, सारे के सारे विधान आपने संपन्न किए, और इन सब विधानों का जो सार है वह जाकर आपके कलश में समाहित हो गया। हवन हुए, जाप हुए, सब कुछ हुए। तो एक कलश जो होता है ये आपके घर में मंगल का प्रतीक होता है। कलश में कितने अक्षर होते हैं, 3, का, ला और शा। का से होता है कल्याण करने वाला, क्या होता है, का से कल्याण करने वाला, और ला से लाभ को देने वाला। क्या है, का से कल्याण करने वाला, ला से लाभ को देने वाला, और सा से शक्कर की भांति घर में मिठास रहे। इसी का प्रतीक मंगल कलश हुआ करता है, कि जो आपके कल्याण करने वाला होगा, लाभ देने वाला होगा, शक्कर की भांति जीवन में मिठास को देने वाला होगा। यह मंगल कलश आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आरोग्यता को प्राप्त करे।
रहे। दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली, संरक्षक डॉक्टर एस के जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।